हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ मेरे पुराने सोफी एंड हाउस की स्केच की कलरिंग। तो ये पहले मैंने ऑलरेडी कैमलिन की ब्रश पेंट से पेंट किया था एंड सच को तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लगा था, फिर मैंने उसे वैसे का वैसे छोड़ दिया। तो बस आज उसी को ही कलर कर रही हूँ एंड अहू मार्कर्स के साथ। सबसे पहले मैंने ना ड्रेस की कलरिंग की है विथ लाइट मिंट ग्रीन एंड अभी मैं हेड की कलरिंग कर रही हूँ एंड मैंने पहले रिबन को रेड कलर से कलर कर दिया है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अहू मार्कर्स की कलरिंग से बहुत अच्छी रिजल्ट आती है। और हैड मैंने सबसे लाइटेस्ट येल्लो यूज़ की है एंड वो था बेरियम येल्लो। और अभी मैं हेयर की कलरिंग कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने बस मोहगनी शेड यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी कलर आ रही थी। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए क्या आपने भी हाउस मूविंग कैस्टल वाली मूवी देखी है, क्योंकि मैंने तो स्टूडियो जिबली की सारी मूवी देख चुकी हूँ एंड अभी एक नया मूवी भी आने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। चलो अब कलरिंग पे आते हैं। तो मैंने स्किन की वही पुरानी मेथड से ही कलरिंग की है, फास्ट फास्ट एंड बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर आप स्लो करोगे ना तो कहीं ना कहीं में उसकी शेडी मतलब डार्क हो जाती है। तो हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें एकदम लाइटेस्ट वाला शेड ही चाहिए, तभी हम लोग शेडो या फिर एनहेंस कर पाएंगे ज़्यादा शेड्स ऐड करके। तो मैंने ना थोड़ी ब्लश भी ऐड कर दी है सोफी की, क्योंकि मुझे अच्छा लगा एंड इस बार तो मैंने लिपस्टिक भी ऐड कर दी है लाइक लिप पे कलरिंग, हालांकि स्टूडियो जिबली मूवीज में तो नहीं रहती है। सोफी की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड हॉल की कलरिंग नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ करना।